सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 22x32 का छोटा सा हाउस प्लान। तो देखिए कैसे मैंने इस प्लान को डिजाइन किया हुआ है, एंड इसमें मैं आपको क्यूरिंग के बारे में भी नॉलेज देने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, और आप जानते हैं क्यूरिंग हमारे बिल्डिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। क्यूरिंग नहीं करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा कंक्रीट पे, एक तो ये हो गया, एंड मिनिमम क्यूरिंग टाइम कितने दिनों तक का होता है, और क्यूरिंग कितने टाइप की होते हैं, एंड अगर क्यूरिंग नहीं करोगे तो आपके कंक्रीट पे क्या इसका या घर पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। क्यूरिंग अगर अच्छे से नहीं हो तो आपके बिल्डिंग का 40% स्ट्रेंथ जो होता है वो लॉस हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो जो अपना कंक्रीट है वो 28 दिन लेता है स्ट्रेंथ गेन करने में, एंड क्यूरिंग का टाइम डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। मिनिमम आपको 7-10 दिन क्यूरिंग करना ही करना है। आपका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, मतलब 40-50 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपको 14 दिन तक मिनिमम क्यूरिंग करना ही करना है। अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हो तो आपको 14 दिन तक क्यूरिंग करना है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा IS कोड कहता है। और क्यूरिंग ज़रूरी क्यों है, क्यूरिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक हाइड्रेशन प्रोसेस होता है जिससे आपका कंक्रीट मजबूत होता है। जैसे हमारे बॉडी के लिए पानी ज़रूरी है, वैसे ही कंक्रीट के लिए भी पानी ज़रूरी है। अगर आप क्यूरिंग नहीं करोगे तो आपके कंक्रीट्स में क्रैक पड़ जाएंगे, तो ऐसे में स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी। ये तो नॉर्मली है, अगर आपने पानी नहीं दिया कंक्रीट में तो इसमें दो टाइप्स के क्रैक्स आते हैं। फर्स्ट होता है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, एंड सेकंड थर्मली क्रैक। अगर आप क्यूरिंग नहीं करोगे तो आपके कंक्रीट में क्रैक्स आएगा, और जब बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो उस क्रैक्स के थ्रू पानी अंदर जाएगा, और ये आपके स्टील को ख़राब कर देगा। आपने देखा ही होगा स्लेब के नीचे से पपड़ी बन के गिरने लगता है, जिससे आपका स्लेब कोलैप्स भी हो सकता है, गिर भी सकता है। तो आई होप आपको क्यूरिंग का इम्पोर्टेंस मालूम चल गया होगा इस वीडियो में। सो अब मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट एंटर करेंगे, 4 फीट वाइड रखा है मैंने इसको, यहाँ से स्टेयर अप, एंड इसको 2 फीट 9 इंच वाइड रखा है मैंने स्टेयर। ये अपना स्टेयर कम वेटिंग हॉल, जिसका साइज मैंने रखा है 9 फीट by 10 फीट 9 इंच। उसके बाद से हमारा ये आगे अपना ये फर्स्ट बेडरूम 9 फीट 9 इंच by 9 फीट 2 इंच का, और यहाँ पे आपका डोर आएगा, एंड यहाँ पे मैं डोर देना भूल गया था। और ये है अपना किचन, जिसका साइज मैंने रखा है 9 फीट by 7 फीट 9 इंच का, और दिस इज और डाइनिंग कम ड्राइंग एरिया, जिसका साइज मैंने रखा है 8 फीट by 9 फीट का। उसके बाद से अपना ये बाथ कम लेटरिंग, इसको आप चाहें तो इसको अटैच भी रख सकते हो अपने बेडरूम से, जिसका साइज मैंने रखा है 4 फीट by 3 फीट 9 इंच, एंड दिस इज अवर सेकेंड बाथ कम लेटरिंग 3 फीट 9 इंच by 4 फीट 3 इंच, एंड दिस इज अवर बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 10 फीट 9 इंच by 10 फीट 9 इंच। और ये है हमारा थर्ड और लास्ट बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 9 फीट 2 इंच by 10 फीट 9 इंच। सो यही है प्लान गाइस, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। इसमें आपका बिल्डिंग कॉस्ट आएगा 10-12 लाख, डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर, एंड विंडो साइज आपको 3 फीट by 4 फीट का, एंड 3 फीट by 5 फीट 4 फीट by 5 फीट आपको जो भी अच्छा लगे रख सकते हो, एंड वेंटिलेशन साइज 2 फीट into 1 फीट का, एंड डोर साइज 3 फीट 6 इंच into 7 फीट का आप बेडरूम का डोर रखो ऐसे, एंड टॉयलेट का डोर 2 फीट 6 इंच into 7 फीट का, एंड आप चाहे तो 2 फीट भी रख सकते हो। 22x32 का ये हाउस प्लान है, 3 BHK हाउस प्लान है। तो
आपको ये हाउस प्लान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में लाखों रुपए बचाएंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद।